तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारा एनथ टर्म फार्मूला यूज़ करके या फिर सम अप अप टू एन टर्म्स ये फार्मूला यूज़ करके हमने बहुत सारा प्रॉब्लम्स किया था। इस वीडियो में एक टोटली नया टॉपिक, वो है एरिथमेटिक मीन, शॉर्टली डिनोटेड बाई एम। एम मीन्स एरिथमेटिक मीन क्या होता है, क्यों फाइंड करेंगे, ये सब बताएंगे। देखिए, पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझ लेते हैं, टोटली एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, क्वेश्चन लिखा है, इंसर्ट फाइव नंबर्स 8 and 26 बिटवीन। ओके, फाइव नंबर्स बिटवीन, यहाँ पे लिखना है बिटवीन 8 and 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। ओके, तो मतलब क्या बोले है कि 8 और 26 के बीच में आपको कितना नंबर लिखना है, कितना नंबर देना है, पांच नंबर देना है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये पांच बॉक्स आपको फिल करना है। देखिएगा, 8 और 26 यहाँ पे बिटवीन, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लीजिए, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया था कि 8 and 26 के बिटवीन बीच में पांच नंबर आपको देना है। आपको बार बार हमने बता चुके हैं कि एपी चैप्टर में मेन टारगेट क्या है, फर्स्ट टर्म निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ये देखिए, अगर दो स्टूडेंट के बीच में और भी पांच स्टूडेंट हम बैठा दें तो टोटल कितना स्टूडेंट हो जाएगा, एक बेंच में दो स्टूडेंट बैठे थे, हम क्या क्या किया, दो वो बेंच में और भी पांच स्टूडेंट शिफ्ट कर दिया, मतलब वो दो बच्चे के बीच में हमने और भी पांच स्टूडेंट दे दिया, तो टोटल कितना स्टूडेंट हो जाएगा, सात स्टूडेंट। तो फर्स्ट टर्म क्या है यार, फर्स्ट टर्म इज दैट इज 8 एंड लास्ट टर्म, तो लास्ट में कौन बैठे है बताइए, लास्ट में कौन बैठेगा, लास्ट टर्म इज 26, लास्ट टर्म इज 26। ओके, लास्ट टर्म ही तो आपका एनथ टर्म, लास्ट टर्म ही तो आपका सेवन टर्म, क्योंकि टोटल देखिए दो बच्चों के बीच में पांच बच्चे दे दिया, टोटल सेवन बच्चे हो जाएंगे, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म ही सेवन टर्म हो जाएगा, क्योंकि सात बच्चे टोटल हो जाएगा, लास्ट टर्म ही तो आपका सेवन टर्म, दैट इज T7। T7 का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस 7 - 1 × D = 26। आपको बताएंगे कि एम क्या है, आप समझिएगा पहले। ओके, तो आपका ए का वैल्यू क्या मिला था हमको, डी, ए का वैल्यू 8, ए का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो 8 + 6D = 26। तो और यहाँ पर ऑड लिखिएगा, तो 6D = 26 - 8 दैट इज योर 18, तो D = 18/6 दैट इज 3। तो क्या मिला डी, डी का वैल्यू 3 मिला। ओके, समझिएगा, जो बीच में रहता है उसको बोलते हैं मीन, जो बीच में रहता है, मतलब दो नंबर के बीच में जो नंबर हम दे रहे हैं वो सारे मीन होता है। अब एरिथमेटिक मीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एपी में है, हम जो नंबर्स यहाँ पे लिखने जा रहे हैं वो सारे एपी में होता है। ओके, देखिएगा, तो फर्स्ट टर्म क्या मिला था 8, तो सेकंड टर्म क्या मिलेगा, 8 के साथ 3 कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, सेकंड टर्म मिल जाएगा। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी, आपको बताया था लास्ट वीडियो में, एपी क्या बोल रहे थे, ए होता है, उसके बाद ए प्लस डी होता है, उसके बाद ए प्लस 2D होता है, उसके बाद ए प्लस 3D, उसके बाद ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, यही होता है। आप यहाँ पे देख के आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू क्या था 8, तो 8 रखिए, ए प्लस डी करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 + 3 मिलेगा, ए प्लस 2D मतलब क्या है, 8 + 2 × 3, ए प्लस दैट इज 8 + 3 × 2, 3 × D = 3, तो 3 × 3, ए प्लस दैट इज 8 + 4 × 3, उसके बाद ए प्लस दैट इज 8 + 5 × 3, 8 + 6 × 3 यही मिलेगा। तो 8 के बदले दैट इज 8 + 3 क्या होगा, 11, 8 + 6 = 14, उसके बाद 17 मिलेगा, देखिए कैलकुलेशन का 17 मिलेगा, ये कैलकुलेट करिए 20, ये कैलकुलेट करिए 23, ये कैलकुलेट करिए, देखिए 26 मिलेगा। तो देखिए 8 और 26 के बीच में हमने टोटल कितना नंबर प्लॉट किया था, 5 नंबर, देखिए 11 14 17 20 20। आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो बीच में रहता है उसको बोलते हैं मीन। ओके, आप एरिथमेटिक मीन क्या है कि दो नंबर के बीच में जितना नंबर्स आपको ऐसे रखना है जो सारे नंबर्स एपी बन जाए। देखिए आप ये सारे नंबर्स का एपी बन रहा है, देखिए तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करिए जो मिलेगा
थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या वही आ रहा है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या वही आ रहा है, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म वही आ रहा है, सिक्स टर्म माइनस फिफ्थ टर्म वही आ रहा है क्या, सेवन टर्म माइनस सिक्स टर्म सब देखिए थ्री आ रहा है ऑल टाइम। देखिए 26 माइनस 23 थ्री, 23 माइनस 20 थ्री, 20 माइनस 17 थ्री। तो ये सारे नंबर्स एपी में हो गया देखिए। ओके आप ये क्वेश्चन को हम आपको चेंज कर देते हैं, इंसर्ट आपको बता देंगे कि फोर एट द फोर नंबर्स बिटवीन बिटवीन बोल के यहाँ पे 5 and 20 कर दीजिए। ओके सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो ये आप करके देखिए, ये आप करके देखिए और आंसर मेरे साथ बोर्ड में मैच कर लीजिए। इसको आप एक मिनट में कर सकते हैं। तो देखिए 5 और 20 के बीच में चार नंबर आपको प्लॉट करना है, इंसर्ट करना है। ओके तो स्टूडेंट्स, तो दो बच्चों के बीच में चार बच्चे हम भर देंगे तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, सिक्स बच्चे। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 5। ओके तो लास्ट टर्म मतलब सिक्स टर्म क्या हो जाएगा 20। तो सिक्स टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस 6 माइनस 1 दैट इज 5d इक्वल टू 20। ए का वैल्यू पुट करिए तो d मिलेगा आपका, 5 पुट करेंगे तो d का वैल्यू 3 मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d, यही तो। यहाँ पे भर दीजिए, ए तो देखिए 5 मिल गया, ए प्लस डी करेंगे तो 8 मिलेगा, ए प्लस 2d करेंगे तो 11 मिलेगा, ए प्लस 3d करेंगे तो क्या मिलेगा 14 मिलेगा, ए प्लस 5d करेंगे तो 4d करेंगे तो क्या मिलेगा 17 मिलेगा, और ए प्लस 5d करेंगे तो 20 मिलेगा। देखिए टोटल, तो देयरफॉर अरिथमेटिक मीन्स आर क्या है, अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 20 आर 8, 11, 14, 17। तो आंसर क्या है 8, 11, 14, 17। देखिए सारे नंबर मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है आप कैसे चेक करोगे, कि देखिए सारे एपी में है। 8 माइनस 5 करिए, सेकंड माइनस फर्स्ट करिए 3, थर्ड माइनस सेकंड करिए तो वो भी 3, फोर्थ माइनस थर्ड करिए वो भी 3, 17 माइनस 14 करिए वो भी 3, 20 माइनस 17 करिए वो भी 3। तो मेरा आंसर सही है। तो कोई भी सम इंसर्ट आपको ऐसे 10 arithmetic mean, insert 10 numbers between 5 and 20, तभी हो जाएगा। d का वैल्यू सिर्फ फ्रैक्शन में आ जाएगा, वहाँ पे d का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला में क्या 5 प्लस ऑफ फ्रैक्शन ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 2 इंटू ऑफ फ्रैक्शन करिए, तो कैलकुलेशन करके जो मिलेगा वो फ्रैक्शन में आएगा आंसर। ओके तो आप करके देखिए क्या आंसर आएगा, d का वैल्यू हाँ मेरे साथ बोर्ड से मैच कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ए का वैल्यू क्या कितना मिला 5 और डी का वैल्यू 15/11 हमको मिल चुका है। डी का वैल्यू क्या मिला 15/11। तो फार्मूला क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए a, a, a + d। तो टोटल देखिए आपको 5 और 20 के बीच में टोटल 10 नंबर्स लिखना है। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 12th टर्म इस 20 हो जाएगा, उसी फार्मूला से डी निकाला है हमने, 12th टर्म इक्वल टू 20, उसी फार्मूला से डी निकाला है 15/11। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, a + a, a + d अप टू आपका ट्वेल्थ टर्म में, मतलब क्या ए प्लस 11d तक जाएगा। तो हमने ए प्लस 11d तक लिखा, ए का वैल्यू 5 और डी का वैल्यू 15/11 सब में पुट कर दिया। देखिए इतना दूर तक हमने पुट कर दिया। उसके बाद इसके बाद वाला लाइन, ये जो लाइन है इसके बाद वाला लाइन देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे। ओके लास्ट टर्म देखिए 220/11 टू से कटेगा, 20 से कटेगा। तो लास्ट टर्म देखो 20 मिला, फर्स्ट टर्म क्या था 5 और लास्ट टर्म क्या मिला था 20, मतलब आपका 12th टर्म क्या है 20। इसके जगह पे हम 20 लिख सकते हैं। ओके तो 5 और 20 के बीच में आपको कितना नंबर्स देना है, 10 नंबर्स। देखिए गिन के देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 नंबर्स देना है। अब सारे एरिथमेटिक मीन है तो देखिए एपी में भी है, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म करिए आपका डी मिलेगा, 15/11 मिलेगा। देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करिए डी आपका 15/11 मिलेगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करिए तब भी थर्ड टर्म माइनस फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करिए 15/11 मिलेगा। तो आपका आंसर भी लिखना, देयरफॉर 10 अरिथमेटिक मीन्स आर बोल के ये यहाँ से शुरू करिएगा, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ से शुरू करके ये जो यहाँ पे पूरा लिखना है, देयरफॉर 10 अरिथमेटिक दिस इज आंसर। ओके नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते देखिए।